हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। और शाम को सारे इसके जितने क्वेश्चन मेरे पास हैं, 30-40 जितने क्वेश्चन बनते हैं इसके, सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है तो इम्पोर्टेंट है। ये पीडीएफ एज इट इज मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगी, अभी इसको समझ लो, बाद में इसको एक बार रीड कर लेना बस। ठीक है, और क्वेश्चंस लगा लेना। क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी वो मोर देन इनफ होंगे, आप सारे क्वेश्चंस को लगाना, आंसर देने की खुद ट्राई करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है? देखो बच्चों, एक लोकल लैंग्वेज में मैं आपको चीजें समझाती हूँ शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल होता क्या है। जैसे हमारे पास एक छलनी है, ठीक है, एक छलनी है, उसके अंदर हमने तीन चीजें डाल दी, बाजरा डाल दिया, गेहूं डाल दी और चना डाल दिया। ठीक है, और सबसे पहले जब उसको छाना तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? जिसका पार्टिकल का साइज छोटा होगा, यानी कि वो बाजरा बाहर निकलेगा। ठीक है, सेकंड कौन निकलेगा? छलनी अगर थोड़ी सी और हमने मोटी ले ली तो सेकंड कौन निकलेगा? गेहूं निकलेगी। और थर्ड पे कौन निकलेगा? चना। थर्ड पे मतलब चना रह जाएगा। तो हमने शॉर्टिंग कर ली मटेरियल की, तीनों को अलग अलग कर लिया उनकी प्रॉपर्टी के साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी मटेरियल हमारे पास है, जितने भी दुनिया भर में मटेरियल हमारे पास है, उनकी हमने शॉर्टिंग की है, सॉलिड लिक्विड गैस इस स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से। ठीक है, वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है इस हिसाब से, वो हार्ड है, सॉफ्ट है इस हिसाब से, मतलब हर एक तरीके से हमने क्या कर लिया बच्चों? शॉर्टिंग कर ली। ठीक है, तो क्या होता है शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल? द थिंग्स वी ऑल यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप एट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल डेली लाइफ में यूज करते हैं। दीज मेटल हैव मास होता है इनका, शेप होती है इनकी, तो इसको है ना हमने अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया, ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी है उनको समझने में हमें क्या हो? आसानी हो। ठीक है, तो इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि हम इनको जो सेपरेट कर रहे हैं वो किस किस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और किस किस कैटेगरी में कौन सा मटेरियल इंक्लूड होगा। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को हमने पांच तरीके से क्लासिफाई किया है। यहाँ पे कैसे? पांच तरीके से हमने प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को क्या किया बच्चों? क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है एज फर्स्ट, द मटेरियल कैन बी शॉर्टेड इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर। या तो वो चीज सॉलिड होगी, या वो चीज लिक्विड होगी, या वो चीज गैस होगी। ये तीन ही चीज हो सकती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, प्लाज्मा बोन साइंस्टीन मत कर देना, यहाँ पे छोड़ दो उनको। ये तीन चीज मेन होती है, या तो चीज सॉलिड होगी, या चीज गैस होगी, या चीज लिक्विड होगी। ठीक है, चलो प्लाज्मा का जिक्र हो ही गया तो मुझे ये बता देना कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? गैस का आयन होता है, या लिक्विड का आयन होता है, सॉलिड का आयन होता है? आप मुझे प्लाज्मा बताओगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब कोई चीज सॉलिड है तो सॉलिड की कैटेगरी में डालेंगे, जैसे टेबल है, चेयर है, मार्कर है, ये सारी चीज सॉलिड है। लिक्विड है तो वाटर है, वाटर अल्कोहल है, फिर जो भी मतलब चीजें लिक्विड के अंदर आती है तो हम उसको लिक्विड की कैटेगरी में डालेंगे। लिक्विड में सोल्युबल इनसोल्युबल को चेक करेंगे। ठीक है, सॉलिड में कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर, इसको चेक करेंगे। और गैस हमारी, गैस के अंदर जैसे पॉइजनस गैस कौन सी है, नॉन पॉइजनस कौन सी है, O2 है, CO2 है, ये सारी गैस की कैटेगरी में हम डिवाइड करके इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी स्टेट ऑफ मैटर। सेकंड क्राइटेरिया यूज सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल अपीयरेंस। अब देखो अपीयरेंस कैसी होगी, मतलब वो दिखेगा कैसे? ठीक है, टेक्सचर है, हार्डनेस है, सॉफ्ट है, लक्सर है, मतलब वो चमकीला है या फिर हार्ड है, सॉफ्ट है, वो है कैसा? मटेरियल हमारा है कैसा, दिखने में कैसा है? रबड़ है, सॉफ्ट है, ठीक है, नट बोल्ट वगैरह ये है, ये हार्ड होते हैं। तो मटेरियल को हमने अपीयरेंस के बेस पे भी यहां पे क्लासिफाई किया है। थर्ड कैटेगरी देखो, थर्ड कैटेगरी है जो थर्ड कैटेगरी में कौन से आते हैं? सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे यहाँ पे मेटेरियल का? सोल्यूबिलिटी का। ठीक है, क्राइटेरिया कौन सा हो गया? सोल्यूबिलिटी का। तो सोल्यूबिलिटी में हम क्या देखेंगे कि चीजें हैं जो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। अब जैसे हमसे पूछेगा साल्ट और सुगर है, वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है? आप बता दोगे वो सोल्यूबल है। चौक है, सेंड है, सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है? इनसोल्यूबल है। ठीक है, मिट्टी को कभी भी पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं कर सकते आप। मिट्टी हमें एज इट इज दिखेगी, थोड़ी देर के बाद आप देखना मिट्टी डाल दो, थोड़ी देर में वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो ये क्या है? इनसोल्यूबल है। तो थर्ड कैटेगरी है सोल्युबिलिटी के हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी है बच्चों
अब देखो चीजें हैं वो सॉलिड है, जो सॉलिड के अंदर या तो वो नॉन मेटल होगा या फिर वो मेटल होगा या फिर मेटलॉइड्स होगा, ये तीन चीज ही हो सकती है, मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने जो बेसिस लिया है मेटल और नॉन मेटल ले रखा है यहाँ पे मेटल। अब कोई चीज हमें घरों में चीजें मतलब कंडक्टर चाहिए तो हम मेटल को यूज करेंगे, आयरन कॉपर रोड यूज करेंगे, लेकिन हमें नॉन कंडक्टर चाहिए तो हम क्या नॉन मेटल को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने फोर्थ क्राइटेरिया लिया है मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे, ठीक है। आयरन कॉपर गोल्ड है आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल, कोल चाक रबड़ है आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। फिफ्थ क्राइटेरिया है यूज टू शॉर्ट द मेटल इन द बेसिस ऑफ लाइट ट्रांसमिशन। अब देखो हमने लाइट पास की, ठीक है, लाइट पास करते ही अगर लाइट इस साइड से उस साइड से बिल्कुल कंप्लीटली चलेगी, इसका मतलब वो चीजें ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। लाइट है कंप्लीटली चली गई, ट्रांसमिट हो गई, तो इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। और अगर कंप्लीटली नहीं हुई तो इसका मतलब कंप्लीटली क्या बिल्कुल भी नहीं हुई तो ओपेक है। और बीच की सिचुएशन रह गई कि थोड़ा सा बस ठीक है, मतलब जैसे घरों में धुंधली चीज, धुंधले ये नहीं लगाते हम ये कांच के शीशे वगैरह लगाते, धुंधले लगाते, जो सिर्फ हमें ये दिखता है कि हाँ लाइट तो है, मतलब कुछ ना कुछ तो है, वो ट्रांसलूसेंट होती है, ठीक है। तो ये तीन टाइप की होगी। अब नेक्स्ट देखो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन हमने बता दिया, पांच तरीके से क्लासिफिकेशन होगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कोई खास बात नहीं, वही ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस है, सोल्यूबल है, फ्लोट एंड सिंक। देखो या तो वो डूबेगी और या फिर वो तैरेगी, ठीक है, पानी के अंदर या तो वो डूब जाएगी या फिर वो तैर जाएगी। इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, डेंसिटी पढ़नी है और बायंसी फोर्स पढ़ना है, ठीक है। फ्लोट एंड सिंक में बायंसी फोर्स पढ़ना है या फिर डेंसिटी पढ़नी है। सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, यहाँ पे ये देखेंगे, पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर, हार्ड है सॉफ्ट है ये भी पता चल जाएगा, ट्रांसपेरेंट है ओपेक है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों हमें, क्लासिफिकेशन मेक एवरीथिंग इजियर एंड ऑर्डर इन बेटर अंडरस्टैंड, हर एक चीज को इजी बना देता है, बेटर बना देता है। अब आप अपने घरों में देखो आपके जो बर्तन है सारे वो सिर्फ किचन के अंदर ही मिलेंगे आपको, ठीक है, किचन में मिलेंगे। अगर सोचो अगर आपके वो बर्तन सारे घर में हो, सारे घर में, आप बेडरूम जाओ तो वहीं पे वहां पे भी बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है, एक आपने बना रखी है बर्तन के लिए अलग से जगह है वहां पे रख दिए, एक गेस्ट रूम है वहां पे भी बर्तन रख दिए, तो मतलब एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। अब आपको पता है कि सारे बर्तन किचन में है तो आपको सारी प्रॉपर्टी किचन, बर्तन की प्रॉपर्टी सारी किचन के अंदर ही मिलेगी। पानी पीने जाओगे तो भी किचन में, खाना खाने के लिए प्लेट लेने जाओगे तब भी किचन में, तो चीजें इजी हो जाती है ऐसे, ठीक है, इजी हो जाती है, ऑर्डरली बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं हम चीजों को, ठीक है। अब देखो हाउ आर मेटेरियल क्लासिफाइड, मेटेरियल को कैसे क्लासिफाई करते, वही बार बार वही बातें कर रहा है, अपीयरेंस के बेस पे, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंट, सॉल्युबल और डेंसिटी, ये हमें पांचों चीजें अब यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अपीयरेंस के बेस पे हमें क्लासिफाई करना है। इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चन लगाओगे तो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा अपीयरेंस के बेसिस। अभी तो देखो तुम चार एग्जांपल देगा वो तुम्हें, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, तो आपको चीजें ऐसे समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर तो थ्योरी इजी लग रही, लेकिन क्वेश्चन लगा के जरूर देखना, करवाऊंगी मैं शाम तक, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब देखो अपीयरेंस के बेस पे लक्चर है, नॉन लक्चर, मतलब चमकदार है या फिर चमकदार नहीं है। अपीयरेंस में तो दो ही चीज होगी, ठीक है, या तो वो चीजें चमकदार है या फिर वो चीजें चमकदार नहीं है। मेटल कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच बेस ऑफ देयर लुक, लुक के बेस पे। अब जैसे हमसे ये पूछे डायमंड है और ग्रेफाइट है, डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड हमें पता है बहुत ही चमकने वाली चीज है, ठीक है, और ग्रेफाइट है वो इतना नहीं चमकता, तो इनको हमने देखो है दोनों कार्बन के रूप पर दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो गई, ठीक है, तो इसको किसी अपीयरेंस के बेस पे क्या कर दिया, अलग कर दिया। वैसे तो इसको बॉन्ड के हिसाब से भी अलग करते, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे हम अपीयरेंस पढ़ रहे हैं तो अपीयरेंस के हिसाब से हमने क्या कर दिया, डायमंड कोर ग्रेफाइट को अलग कर दिया। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड शाइनी मेटल है, ठीक है, अब गोल्ड शाइनी मेटल है तो इसी के लिए इसके क्या बनाते हैं, मतलब हम लोग इसको पहनते हैं गोल्ड को, चमकती है ये, ठीक है, तो ये क्या है, चमकने वाली मेटल है। और ग्रेफाइट है वुड है, ये शाइनी नहीं है, चमकने वाली मेटल नहीं है, तो हमने इनको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ चीजें होती है हार्ड होती है, मतलब टफ होती है, ठीक है, टफ होती है, हार्ड होती है, इसके हिसाब से भी हम अलग कर सकते हैं चीजों को। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विद अंडरस्टैंड स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग, देखो हमने किसी चीज के ऊपर जोर लगाया, स्ट्रेस लगाया, लेकिन वो टूटी नहीं, तो इसका मतलब वो क्या थी, टफ थी। अब आप अपनी टेबल के ऊपर स्ट्रेस लगाओ, वो टूट नहीं रही तो वो क्या है, टफ है, ठीक है, और अगर टूट जाएगी तो वो क्या है, सॉफ्ट है,
तो हार्ड और सॉफ्ट के हिसाब से भी हमने क्या किया, चीजों को अलग किया। और जो मटेरियल हार्ड है इसका मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है बच्चों, ज्यादा है। स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा ज्यादा डक्टाइलिटी है, ठीक है। और जो सॉफ्ट है मतलब जो सॉफ्ट मेटल है वो लो स्ट्रेंथ की है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, मेटल को अलग अलग किया है, ठीक है। तो हार्ड और सॉफ्ट के हिसाब से मेटल को क्या, सॉरी मटेरियल को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो, मेटल कैन बी कंप्रेस्ड और डिफॉर्म इजिली, कंप्रेस हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है इजिली, इसका मतलब वो सॉफ्ट है। मेटल कैन डिफिकल्ट टू बेंड, डिफिकल्ट होता है, कंप्रेस मुश्किल से होता है, इसका मतलब वो हार्ड है। आप एक रबड़ को बहुत जल्दी से मतलब दबा सकते हो, रबड़ है, ठीक है। रबड़ क्या है, एक सॉफ्ट मटेरियल है, लेकिन आप ये नट बोल्ट है जो गाड़ियों में यूज होते हैं या फिर टेबल चेयर है, इनको नहीं दबा सकते क्योंकि ये हार्ड है, ठीक है। सोल्युबिलिटी के हिसाब से अब क्या करेंगे, सोल्युबिलिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी सोल्युबिलिटी, ठीक है, कि ये सोल्युबल है, इनसोल्युबल है। आपको पता है पोलर डिजोल्व पोलर, साइंस के स्टूडेंट हो सबको ये लाइन तो ग्यारहवीं में रटवाई देते, पोलर डिजोल्व पोलर, पोलर में पोलर घुलता है, इसका मतलब वो सोल्युबल है। अब पानी के अंदर है, मिल्क बिल्कुल घुल जाता है पानी के अंदर, साल्ट है, शुगर है, ये तीनों चीजें पानी के अंदर घुल जाती है, ठीक है, सोल्यूबल है ये। लेकिन आप रेत को नहीं घुल सकते, ऑयल को नहीं घुल सकते पानी में, क्योंकि वो नॉन सोल्यूबल है, ठीक है। तो सम सब्सटेंस कंप्लीटली डिसअपीयर और डिसॉल्व इन वाटर, दीज सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर, अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर, डू नॉट डिसअपीयर। देखो, जो घुल जाता है वो तो डिसअपीयर हो जाता है। आपके पास एक पानी का गिलास है, उसके अंदर नमक है, एक दूसरा पानी का गिलास है, उसके अंदर साल्ट है, सॉरी शुगर है। आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन से के अंदर नमक और कौन से के अंदर शुगर है, क्योंकि वो डिसअपीयर हो गया, वो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से घुल चुका उसके अंदर, उस अब उसका कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, डिसअपीयर है। बट जो नहीं घुल रहा, जो जैसे अब अपने पानी के अंदर रेत डाल दिया, थोड़ी देर बाद देखोगे तो रेत आपको स्पष्ट दिखेगा, नीचे बैठा हुआ दिखेगा, इसका मतलब वो क्या है, डिसअपीयर नहीं हुआ, ठीक है, डू नॉट डिसअपीयर। तो ये क्या है, इनसोल्यूबल है पानी के अंदर, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी से भी हम अलग कर सकते हैं। बायंसी फोर्स क्या होता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जो बायंसी फोर्स होता है ये क्या होता है, वैसे फिजिक्स में है ये, क्या होता है कि एक अपवर्ड फोर्स लगाता है फ्लूइड। अब जैसे देखो, एग्जाम्पल से समझाते हो, एक बाल्टी रखी है आपके पास पानी की बिल्कुल भरी हुई, ठीक है, बाल्टी के अंदर आपने गिलास को छोड़ दिया, बाल्टी में आपने गिलास को छोड़ दिया, जितना गिलास डूबता जाएगा पानी उसको डिस्प्लेस करता जाएगा, पानी को बाहर निकलता जाएगा, गिलास डूबेगा, तो जो पानी जो मतलब क्या है, पानी को डिस्प्लेस कर दिया उसने, तो जो पानी है ना बाल्टी के अंदर वो उस गिलास के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है, वो ग्लास के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को बोलते हैं बायंसी फोर्स, जो फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है। और अप्लाइड फोर्स होता है अपवर्ड फोर्स होता है, ठीक है, हमसे पूछेगा बायंसी फोर्स अपवर्ड फोर्स होता है, डाउनवर्ड फोर्स होता है, तो ये याद रखना ये अपवर्ड फोर्स होता है, ठीक है। फ्लूइड है, पानी है, पानी ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, आपने वुड लकड़ी डाल दी पानी के अंदर, ठीक है, तो पानी इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, एक अपवर्ड फोर्स है। On the object or the body, when the object is put in or submerged in liquid in turmoil buoyancy, तो इसको बोलते हैं buoyancy force, ठीक है। Upward force लगाता है पानी, ऊपर की तरफ force लगाता है, तो इसको बोलते हैं fluid के द्वारा लगाया जाता है। अब इसको दो ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, classification कर सकते हैं buoyancy force का। आपसे पूछेगा classification based on the buoyancy force, तो या तो फिर चीजें है, देखो आपने कोई चीज डाल ली है पानी के अंदर, या तो वो डूब जाएगी, ठीक है, या फिर वो तैरेगी। मैं पानी बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो वाटर होता है बच्चों यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हम कोई भी चीज लेते तो पानी ऑटोमेटिक निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी तरल चीज है, लेकिन पानी बार बार निकल जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है पानी, इसलिए, ठीक है। अब देखो, पानी के अंदर कोई भी चीज है, या तो वो डूबेगी या फिर वो तैरेगी, दो ही सिचुएशन हो सकती है, ये फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब कोई भी हल्की चीज है जिसकी डेंसिटी कम है पानी से, वो तो तैरेगी, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डूब जाएगी, लेकिन ये फोर्स जरूर लगाएगा, ठीक है। अब एक पत्ता ले लिया आपने, लीफ है, वो क्या करेगी, पानी के ऊपर तैरती रहेगी, डेंसिटी नहीं है उसकी इतनी ज्यादा, लेकिन एक मेटल की स्पून है, ठीक है, उसको डाल दो आप, उसकी डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, वो पानी के अंदर डूब जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, या तो फ्लोट करे या सिंक करे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों डेंसिटी, नेक्स्ट हमारे पास डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये सबको पता होगा कि डेंसिटी है मास अपॉन में वॉल्यूम के इक्वल होती है, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है अपना, डेंसिटी होती है। यू कैन थिंक ऑफ इट अमाउंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस पैक इनटू सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस। देखो यहां से मास अपॉन वॉल्यूम से एक चीज निकलेगी, अभी रुको,
You can think of as it the amount of particle of a substance are packed into certain amount of space. If the particle are packed tightly density, देखो आप एक चीज देखना, density होती है अपनी mass upon volume के equal, ठीक है, mass upon volume. अगर किसी भी चीज का volume कम है तो सबको पता है उसकी density क्या होगी, ज्यादा होगी. Volume कम है इसका मतलब उसकी density क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, ठीक है. तो अगर वॉल्यूम कम है इसका मतलब जो पार्टिकल है वो पास पास आ गए, वो जैसे इसका वॉल्यूम इतना था ये बहुत ज्यादा था, इसका वॉल्यूम इतना है ये बहुत कम है, और इसका वॉल्यूम बिल्कुल इतना है तो ये और भी कम हो गया. तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम कम है इतना मतलब पार्टिकल उसके क्या है, पास पास आ गए. और पार्टिकल पास पास आ गए इसका मतलब उसकी डेंसिटी है, जो उसकी डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी. मतलब वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. ऑटोमेटिक ऐसे भी समझो, लेकिन हमसे क्वेश्चन कैसा आएगा, पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली, अगर पार्टिकल पैक्ड है टाइटली तो डेंसिटी बताओ, ठीक है, तो ये ऐसा देगा. तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. पार्टिकल पास पैक्ड है, वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. अगर पार्टिकल दूर दूर है, लूजली पैक है इसका मतलब क्या, जैसे गैस है, गैस लूजली पैक है, पैक है ही नहीं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, कम होगी, ठीक है. तो इस तरीके से देखेंगे कि डेंसिटी को कैसे पैकिंग के हिसाब से देखेंगे, ठीक है. एक पहली बार डेंसिटी के बारे में, सेकंड बार डेंसिटी के बारे में आपको इसकी यूनिट बिल्कुल याद रखनी, बिल्कुल याद रखनी है. मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास की यूनिट यहाँ पे होती है केजी, मास होता है केजी, और वॉल्यूम आप सभी को पता है मीटर की क्यूब, ठीक है. केजी मीटर की क्यूब क्या होता है, इसकी डेंसिटी की यूनिट होती है, ठीक है. और डेंसिटी इज द रीजन ऑफ सब सब्सटेंस स्ट्रिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट. देखो डेंसिटी ही रीजन होता है कि कोई भी सब्सटेंस पानी के ऊपर तैर रहा है या डूब रहा है, क्यों, क्योंकि देखो डेंसिटी कम है तो वो तैरेगा और डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, ठीक है. तो डेंसिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. डेंसिटी लूजली पैक है तो डेंसिटी क्या है, लूजली पैक है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, डेंसिटी उसकी कम है. अगर टाइटली पैक है तो इसका मतलब डेंसिटी उसकी क्या है, ज्यादा है, ठीक है. और डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो डूब जाएगा, ठीक है. और डेंसिटी का ये एसआई यूनिट डेंसिटी की याद रखनी है. सेकंड अब जो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से मेटल कैन वी ग्रुप इनटू थ्री मेन कैटेगरी, एबिलिटी ऑफ ट्रांसमिट लाइट, ठीक है, लाइट के हिसाब से. तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी है तीन टाइप का है, ट्रांसपेरेंट है, ओबेक है और ट्रांसलूसेंट है, ठीक है. अब इनके बारे में बता देती हूँ आपको, ये लास्ट पेज रह गया हमारा. एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ विजिबल लाइट टू पास थ्रू इट, इट कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट विजिबल लाइट को अपने अंदर से पास होने दे उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट. ये जो एग्जाम्पल है इसके बिल्कुल याद रखनी है. जैसे ग्लास है, फिश टैंक है, आप लोगों ने मछलियां पाली होगी, मछलियों को लाइट चाहिए, तो जो फिश टैंक होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है. हमें मछलियां, जो छोटी छोटी मछलियां होती है वो एज इट इज दिखती है हमें, ठीक है. तो ये क्या है हमारे पास, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तुम लोगों को फंसा सकता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है इसमें. ग्लास है, फिश टैंक है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है. अब जो बीच वाली कैटेगरी है, बीच वाली ट्रांसलूसेंट, वो कौन सी होती है, जैसे प्लास्टिक की बोतल आती है, प्लास्टिक की बोतल को रख दो आपको बिल्कुल धुंधला दिखेगा, बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा. आपके पास बिस्लेरी की बोतल होगी, उसको बिल्कुल वो जैसे कवर उतार देना उसका, कहीं वो बिस्लेरी लगा हुआ उसमें देखने लग जाओ, उसको उतार देना. मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है चीजें बताने में, मुझे लगता है कि ये बात भी तुम्हें ना पता हो. तो उसको बोतल को रख देना, प्लास्टिक वाली को, ठीक है, उसमें से देखना आपको मतलब बिल्कुल जैसे कम दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे दिखेगा कि हाँ लाइट है, ठीक है. आप लोगों ने घरों में जैसे वो शीशे देखे होंगे जो लगवाते हैं, जो मतलब सिर्फ सिर्फ ये पता चलता है कि उस साइड लाइट जल रही है लेकिन आर पार नहीं दिखता, ठीक है, तो वो भी बीच वाली कैटेगरी में ही आता है. अब जो ओपेक है बच्चों, ओपेक का तो सबको पता ही है, ओपेक क्या होता है, जैसे वुड है, मेटल है, इनमें से क्या गोल्ड की कोई भी चीज रख दो, गोल्ड में से क्या लाइट आर पार हो जाएगी, नहीं, कॉपर में से हो जाती, नहीं, वुड लकड़ी में से हो जाती, नहीं. तो ये क्या है हमारे पास, ओपेक है, ठीक है. ये क्या है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ पास ऑफ लाइट आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट. वी कैन नॉट सी थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट, हम उसमें से देख नहीं सकते ओपेक ऑब्जेक्ट में, ठीक है. तो यहां पर हमने कर लिया शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है. तो ये अपना चैप्टर इतना ही था, क्वेश्चंस इसके बहुत ज्यादा हैं और भी हैं, तो वो हम शाम को सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है. तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है. अब ये मत बोल देना मैम इतना ही छोटा, ये बच्चों छोटा ही चैप्टर है, ठीक है, ये छोटा ही चैप्टर है. बाकी जो इसकी और प्रॉपर्टी, मतलब इसमें से कुछ थोड़ा बहुत जैसे बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, आपका सारा क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है. तो सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी. तो ये चैप्टर हमारा इतना ही दे रखा है, ठीक है. बाकी तो क्वेश्चंस कहीं कहीं से निकाल कर आपका कंसेप्ट को और बेहतरीन बना देंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे. पर ये छठी क्लास की बुक से है तो है ही इतना, ठीक है. तो चलो क्वेश्चन हम करेंगे शाम को. थैंक यू सो मच.